उसका मकसद मैं आपके लेक्चर्स भी सुनता हूँ और आपकी बुक्स भी पढ़ता हूँ, तो एक चीज नोट कर रहा था मैं उसमें कि आप अक्सर समुंदर का जिक्र करते हैं, तो मुझे बड़ा तजस्सुस था कि कोई इसके साथ एफिलिएशन है आपकी, कि आपकी बातों में, आपकी बुक में, लिखने में भी समुंदर का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, इस पर जरा बताएं क्या क्यों? नहीं बिल्कुल, मैं दुनिया के किसी कोने में भी चला जाऊं और अगर मुझे मालूम हो कि यहाँ पे समंदर है तो मैं आई मेक श्योर दैट आई गो देयर, लाइक आई लव टू गो टू कराची बिकॉज देयर इज अ सी। अच्छा हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, अमेरिका में हूँ, इंग्लैंड में हूँ, कहीं पर भी मैं हूँ, सी देखेंगे मुझे, मैं ज़रूर देख। अच्छा, मुझे आई लव समंदर, क्या मुझे उसकी वसत अच्छी लगती है, फिर मुझे उसका नीलापन बहुत अच्छा लगता है, फिर मुझे वो जगह बड़ी अच्छी लगती है जहाँ पर आसमान और समंदर मिल रहे होते हैं, ये ऊंचाई और निचाई का मिलाप होता है, ये मतलब मोहब्बत का एक, आप समझ लें कि एक रिश्ता कायम हो रहा होता है। और खलील जिब्रान ने कहा था कि नमक में एक मुकद्दस खौफ पोशीदा है, इसीलिए ये समंदर के पानियों में और लोगों के आंसुओं में होता है। और समंदर एक ऐसी चीज़ है कि जब आप समंदर को देखें तो, और आपको समंदर से मोहब्बत हो, तो उसका वो जो बेकरार होना आपको अपील करता है, तो उसे आप एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। मैंने अपनी किताब जो तीसरा जन्म है वो स्टार्ट ही समंदर से की है, उसका जो पहला टॉपिक है ये किताब तीसरा जन्म, तो इसमें मुझे अपनी ज़िंदगी की जो पहली याद होता है ना कि आप, अब मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल का था, वो ये थी कि शायद हम कराची से गवादर आ रहे थे और एक, हाँ, और एक बहरी जहाज़ था और मेरे वालिद साहब की कराची से गवादर पोस्टिंग हुई थी, ही वॉज सिविल सर्वेंट, तो जिस जहाज़ में हम आ रहे थे बहरी जहाज़ में, उसके केबिन में, अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है कि ऊपर एक सीट थी जिसमें एक लड़की रो रही थी और दर्द से चिल्ला रही थी, करा रही थी, और मैं भी उसे देख के घबरा रहा था, और जब मैं घबराता तो मेरी अम्मी, मैं अम्मी की गोद में था, मुझे ज़ोर से दबा लेती। फिर मुझे याद है कि थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि जिस तरह रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं लोगों की भी, और कुछ लोग भी अंदर आ रहे हैं, और फिर मैंने ये भी सुना कि कोई किसी को कह रहा है कि नहीं, इसकी लाश को समंदर में फेंकना पड़ेगा, यानी वो मर चुकी थी, तो ये क्यों समंदर में फेंकना पड़ेगा, तो ये भी एक अजीब सी बात थी। था मैं छोटा सा ही, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि पुराने ज़माने में चूंकि फ्रीजर्स वगैरह नहीं होते थे, तो अगर कोई लाश होती और लंबा बहरी सफ़र होता, क्योंकि उस जहाज़ में पता नहीं आगे कहाँ कहाँ जाना होगा, तो वो फिर उस लाश को, ताकि बदबूदार ना हो जाए, वो पुट्रिफिकेशन ना हो जाए, वो समंदर में फेंक दिया करते थे। तो इस तरह मेरी जो ज़िंदगी की यादों का आगाज़ है वो समंदर से शुरू होता है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उस लड़की के दर्द को महसूस करके अगर मैं डॉक्टर की तरफ आया हूँ तो शायद ये एक हो सकता है। अच्छा, फिर हम जब ग्वादर में रहते थे तो मुझे याद है वालिद साहब के एक ऑर्डली होते थे जो हमें सैर कराते थे, तो एक दिन मैंने देखा कि जब वो सैर करा रहे थे तो रेत के ऊपर मैंने कुछ सर देखे, यानी जिस्म नहीं थे, सर थे, और वो हिल भी रहे थे और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, तो मैं बड़ा घबरा गया, तो वो हम मौलाना साहब कहते थे उन्हें, तो मैंने कहा मौलाना साहब ये क्या है, तो मौलाना साहब ने कहा कि ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अगर कमर में दर्द हो या जोड़ों में भी, तो वो गड़ा खोद के तो उसके अंदर फिट हो जाते हैं यहाँ तक, और फिर जब पानी की लहरें आती हैं तो उस रेत को वो और यू नो उस टाइट कर देती हैं, तो इस तरह अगर घंटा आप ठहरें या रहें तो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। प्रैक्टिकली होता है? होता है। अच्छा, मेरी ये उसी तरह ही है जिस तरह आप कमर की बेल्ट लगाते हो। फिर बलूचिस्तान में मैंने ये भी देखा था और सुना था बाद में
कि जिस तरह दुम्बे को काट के जब उसको हलाल करते हैं तो उसकी खाल को निकाल के जो गीली गीली सी होती है उसको उस ज़माने में कमर पे बांध दिया करते थे और वो सख्त हो जाया करती थी। और उस हाँ अच्छा, फिर एक और चीज़ वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व की कि कई दफ़ा शाम को या सुबह सुबह बहुत सारे लोग समंदर के किनारे खड़े हो जाते थे। तो मैंने पूछा कि ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि समंदर में जो चीज़ गिरती है, जिस तरह कोई जहाज़ डूब जाए या कोई और, तो वो फिर या शाम के वक्त या सुबह के वक्त समंदर उसको किनारे पे फेंक देता है, क्योंकि लहरें जो हैं वो बढ़ती रहती है ना टाइमिंग। हाँ, तो कई लोग इस उम्मीद पे कि अल्लाह ना करे, लेकिन उनके नज़दीक अल्लाह करे कोई जहाज़ डूबे तो उसकी चीज़ें जो हैं वो आएंगी तो हम लूट के ले जाएंगे। तो ये बहुत सारे पहलू हैं, ये बहुत से बेसिकली समंदर के साथ वहाँ से। आई लव समंदर, और मुझे इवन समंदर वाली मूवीज़ अच्छी लगती हैं, समंदर वाले गाने अच्छे लगते हैं, मुझे पहाड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नेचर की अगर एक चीज़ कोई मुझसे पूछे तो आई विल से समंदर। इसमें ये भी है डॉक्टर कि वैसी में कि डीप थॉट्स आते हैं, समंदर की डेप्थ है ना, समंदर की डेप्थ है जैसे पहाड़ों की हाइट में ना? जो एक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं समंदर भी तक मैं कराची बचपन में गया हूँ तो उसका तो तजर्बा नहीं हुआ, मगर एक वो जो आपको लंबी साइड नजर आ रही होती है उसमें आपकी सोच और लंबी। एग्जैक्टली वो भी इसमें बिल्कुल, जो नेचर के क्लोज लोग होते हैं ना उनको पहाड़ आपसे बातें करते हैं, समुंदर करते हैं, पांच चीजें सारी ये सारी चीजें ये लिविंग है, दे नॉट नॉन लिविंग। आपका बस उसके साथ कम्युनिकेशन करने की, वो कम्युनिकेशन करने का। और पहाड़ बुजुर्ग होते हैं, इनको कई दफा कहा गया ये बुजुर्ग होते हैं, और आप ये आपके साथ शरारतें करते हैं, ये उनसे पूछे जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हाइकिंग करते हैं। मुझे याद है जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो मैं कई दफा बालाकोट से नाराम तक, बताया था मैंने आपको, जाते रहे। तो वो जो ट्रैक्स पे चलना होता था, वो भेड़ बकरियों का दूध पीना रास्ते में और सूखी रोटी को ज़खीरा करके रखना, तो ऑल एडवेंचर। थैंक यू सो मच, अच्छा थैंक यू।